सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और न्यू जॉब। और जैसा कि आप जानते हैं गाइज, मेरे चैनल पर न्यू जॉब्स आती रहती हैं। सो गाइज, आप भी इंटरेस्टेड हैं अगर डिट्टो कंपनी में जॉब करना, तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। बस आपको करना है इतना है कि शुरू से लेकर एंड तक देखना है वीडियो को, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है गाइज, वो 100% वीडियो में सारी होती ही हैं। अगर आपकी इस वीडियो से बाहर की कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत भाई होते हैं यार, वो आउट ऑफ सिलेबस ही बातें पूछते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये मत पूछा करो कि जॉब की लोकेशन क्या होगी और वगैरह वगैरह, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में दी हुई होती है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिट्टो कंपनी के बारे में कि कंपनी है किस चीज़ की। सो गाइज, यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं पॉलिसी बाजार, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे पॉलिसी बाजार है, तो इसी तरीके से ये डिट्टो कंपनी भी है। तो आगे हम जानेंगे इसका पूरा डिटेल में कि ये एक्चुअल में ये जॉब आपका जो रोल होगा इसमें वो किस चीज़ का होगा। तो अभी मैं आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, उसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगी, और साथ में आपके सैलरी पैकेज कितना होगा, वो सब मैं आपको विद डेजिग्नेशन के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलो। सो गाइज, यहाँ पर हम साइड में आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ डिट्टो करियर्स, यानी कि गाइज इसमें अब मैं आपको बता दूँ आपकी जो डेजिग्नेशन होगी वो किस पर होगी। सो गाइज, यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन है वो है इंश्योरेंस एडवाइज़र की, और आपका इसमें रोल क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो आपका रोल होगा गाइज, आपको इंश्योरेंस की एडवाइस देनी होगी अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब वो व्हाट्सएप पे बातें होंगी उसकी, ठीक है, व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपकी ये जॉब होगी, और 5 डेज की ये जॉब होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है गाइज, इसको जरूर से अप्लाई करना। और इन्होंने अपना शॉर्ट में बताया हुआ है कि डिट्टो है क्या। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ व्हाट्स डिट्टो। डिट्टो एक ऐसी कंपनी है जो गाइज इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पॉलिसी बाजार हुई, इसी तरीके से डिट्टो कंपनी है जो इंश्योरेंस को बताती है कंपेयर करके कि आपके लिए ये इंश्योरेंस बेटर रहेगा या फिर ये इंश्योरेंस बेटर नहीं रहेगा। तो इसमें ये कंपैरिजन करके एक आपको अच्छा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूँ इनका लिंक्डइन पे भी बहुत बढ़िया सोशल नेटवर्क है, जिसमें कि इनके 500K सब्सक्राइबर्स है, तो ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। और साथ में गाइज इसका जो बैकअप है, ठीक है, बैकिंगर्स यानी कि इनका जो फंड है ना, वो इनका ज़ीरोधा से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर शामिल है गाइज, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी नामी कंपनी है। और साथ में गाइज इसमें इन्होंने अपना जॉब के बारे में बताया हुआ है ब्रीफ में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूँ कि यू विल द फेस ऑफ डिट्टो इंटरेक्टिंग विद अवर यूजर्स डायरेक्टली, यू विल अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंड पॉलिसीज। सो गाइज, इसमें इन्होंने बस इतना ही बताया हुआ है कि आपको जो है अपने यूज़र्स के साथ डायरेक्टली बात करनी होगी, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा, और साथ में जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हमने अच्छी चीज़ें रिकमेंड करनी है, मतलब जो भी आपकी इंश्योरेंस की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो अपने तरीके से आपको उनको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं जो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ जो आपके काम की ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको भी यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। अब हम बात करते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स की, तो इन्होंने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी हैं वो गाइज सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। सो गाइज, आपको जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आना चाहिए करना, ठीक है, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इंटरपर्सनल होनी चाहिए। साथ में गाइज सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं यहाँ पे, एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल, तो आपको जो भी डिटेल में सब चीज़ें बताएंगे ना वो बिल्कुल एक्यूरेटली होनी चाहिए, और साथ में बिल्कुल ही आपका फोकस उस चीज़ पे होना है, अटेंशन होना चाहिए मतलब बिल्कुल। ठीक है, तो गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव मतलब बढ़िया होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में गाइज आपका जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वो नेसेसरी इन्होंने बताया, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज कंप्यूटर की यहाँ पर होनी चाहिए। और साथ में गाइज एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रेजेंट एंड इन्फ्लुएंस एफेक्टिवली, ठीक है, तो आपको जो है अपना एबिलिटी आनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेट करने की आपको आना चाहिए, मतलब कि सामने वाले यूज़र से आप किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको आना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस जॉब को कर सकता है। तो गाइज मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप 12वीं पास भी हैं, 12th पास भी हैं, तो फिर भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके पर्क्स की। सो गाइज, अपॉर्चुनिटी टू लीड न्यू सेल्स इनिशिएटिव, तो यहाँ पर आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लेने हैं। साथ में ये जो आपको साथ में दे रहे हैं कंप्रेसिव हेल्थ इंश्योरेंस और CTC 4.5 LPF फिक्स्ड इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कि गाइस आपको यहाँ पर ये हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, यानी कि CTC 4.5 लाख रुपये का यहाँ पर आपको फिक्स्ड सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है, प्लस आपको यहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस भी आपको, यानी कि आपको इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
और गाइज इसमें मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बढ़िया जॉब है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है आपको किसी भी प्रकार की। और अभी मैं आपको यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके का होगा। सो गाइज इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, वी वुड लाइक टू हेल्प यू मिनिमाइज योर टाइम एंड एफर्ट एंड देर आर 4 राउंड एंड वी विल बी वर्किंग टूवर्ड्स कम्प्लीटिंग ऑल द राउंड्स विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 वीक। सो गाइज आपका 1 हफ्ते तक वो राउंड चलेगा इनका, और साथ में गाइज आपको जो शेड्यूल देंगे जिसमें एचआर इंट्रोडक्टरी कॉल होगी, एचआर आपसे बात करेंगी, सेकंड टास्क होगा, फिर फर्स्ट टास्क होगा, सेकंड होगा, देन उसके बाद फाइनल राउंड जो होगा उसमें फाइनल, तो ये सब आपको इसमें करना है। अब हम बात करते हैं अपनी मेन बात की, जो कि हम अप्लाई कैसे करेंगे और इसका लिंक कहाँ मिलेगा। सो गाइज मैं आपको बता दूँ, इसका जो लिंक है मेरे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद गाइस मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूम PDF। तो आपको 1 MB का एक रिज्यूमे बनाना होगा, जो सिर्फ 1 MB में हो वो ही अपलोड होगा, इससे ऊपर होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो याद रखना, कंप्रेस करके आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर लेना। उसके बाद गाइज आपका जो रियल नेम है वो यहाँ पर आप डाल देना, सर नेम डाल देना, मिडिल नेम डाल देना अगर है तो। उसके बाद आपको ईमेल डालना है यहाँ पे, ठीक है, अपना एक बिल्कुल लेजिट ईमेल होना चाहिए, असली ईमेल होना चाहिए आपके नाम पर, वहाँ पर ये मेल डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं, प्लीज़ मेंशन फ्रॉम वेयर डिड यू हियर अबाउट दिस। सो गाइज आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से पढ़ा है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर देना। सो गाइज अगर आपने यूट्यूब से पढ़ा है तो यूट्यूब पे, नौकरी जहाँ से भी आपने पढ़ा है आप उस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इफ़ योर ऑप्शन वॉज अदर देन, इसको छोड़ देना गाइज। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज आपका इतना काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद एक ईमेल आ जाएगा। जब ईमेल आएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल क्या है। सो गाइज अगर आपको आज ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली लगी हो, सो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम अपनी यार सामने रखो कमेंट में, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जॉब के साथ मिलता हूँ। तो अभी के लिए बाय गाइज, टेक केयर।